राज्य परिवार सरीला स्टेट की बहू रानी रजनी सिंह ने ठोकी हमीरपुर विधानसभा उपचुनाव में दावेदारी। आपको बताते चले कि सरीला स्टेट की बहू रानी रजनी सिंह राजा धीरेंद्र सिंह जी रमकुंडा महल सरीला की पत्नी हैं। इनका बचपन से ही समाज सेवा से जुड़ाव रहा है और समाज सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहती हैं। उन्होंने कहा, बुंदेलखंड का मुख्य द्वार जनपद हमीरपुर है और बुंदेलखंड का सबसे पिछड़ा जनपद होने की वजह से यहां अभी समाज को शिक्षित करने एवं बेरोजगारी पलायन को रोकने हेतु समाज में जनता के बीच जाकर काम करने की अति आवश्यकता है। जिन प्रतिनिधियों की उदासीनता को देखते हुए यहां का विकास रुक सा गया था मोदी जी और योगी की वजह से, अब बुंदेलखंड में ग्राउंड लेवल पर काम हो रहा है। मैं भी यहां पर राजनीति के माध्यम से विधानसभा के उपचुनाव में दावेदारी कर रही हूं। यदि पार्टी से टिकट मिलता है तो मैं हमीरपुर में होने वाले विधानसभा के उपचुनाव में अपनी किस्मत आजमाऊंगा और जनता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगी। केवीनिया जय इंडिया से राम सिंह राजपूत की रिपोर्ट। जनता चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे और शायद जनता की कृपा हुई तो जीतेंगे भी, और अगर नहीं भी टिकट मिला तो हम अपने गांव और जिला का विकास करने की पूरी कोशिश करेंगे। जनता के साथ हैं, जो जनता चाहेगी हम वो करेंगे। आपको किस पार्टी से टिकट मिल रहा है? बीजेपी। आप बीजेपी? आपको बीजेपी क्यों पसंद है? क्योंकि बीजेपी जो विकास कर रही, कोई और पार्टी नहीं कर रही। मोदी जी ने अभी धारा 370 हटाई है और स्वच्छता अभियान है, पशुओं के लिए अनाज खाने की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, सारा बीजेपी कर रही है। हम योगी जी और बीजेपी के काम से इतने खुश हैं कि हम उनके मुरीद हो गए, हम उनके फैन हैं। हमीरपुर विधानसभा में उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं और जिस तरह से अभी 370 धारा हटाई गई है, जिस तरह से गायों पे काम हो रहा है, जिस तरह से खनन पे नकेल कसी जा रही है, जनता निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी से इस समय पूरी तरह जो है खुश है और उनकी कार्यशैली से खुश है। और हमने सुना है कि राज परिवार से, सरीला राज परिवार से उनकी बहू रानी रजनी सिंह जी इस विधानसभा चुनाव में भी दावेदारी ठोक रही हैं। बहुत सारे लोग भी दावेदार हैं, पार्टी के पुराने वर्कर भी दावेदार हैं, लेकिन यदि रानी रजनी सिंह को जहाँ तक सवाल है, यदि टिकट मिलता है पार्टी से तो निश्चित ही उनकी जीत होगी और उनके मन में जनता के प्रति भाव है। जिस तरह से हमने देखा है, कई महीनों से लगातार, कई सालों से समाज सेवा कर रही हूँ और उनसे मेरी बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की जो कार्यशैली है इससे मैं प्रभावित होके, और पार्टी, अगर मैं पार्टी में काम करना चाहती हूँ, यदि पार्टी मुझे मौका देती है विधानसभा में, तो अगर टिकट मिलता है तो मैं ज़रूर चुनाव लड़ूँगी और पूरे जिला की सेवा करूँगी और इसके पिछड़ेपन को दूर करूँगी।